बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खीर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको पकाने में, ठीक है। जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने लिया है दूध 1 किलो, ठीक है। इसको मैंने डेगची में डाल दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने लिया है शुगर 1 टेबल स्पून। चावल लिए हैं मैंने पिसे हुए, ठीक है, आधे कुटे हुए, आधे पिसे हुए हैं। ये साबुत नहीं है और ना ही बिल्कुल पाउडर भी नहीं है, ठीक है, आधे पिसे हुए हैं। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमने लिया है पिस्ते बादाम, जो है वो हमने चॉप कर दिए हैं बारीक बिल्कुल। थोड़ा सा हमने दूध अलग से ले लिया है प्याली में, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पर हमने एक वनीला एसेंस ले लिया है और दूसरा हमने लिया है ज़ाफ़रान, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़ाफ़रान को क्योंकि भुनने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान लेंगे और उसको हम बिल्कुल 2-3 जो है ना, इसके इतना सा एक चुटकी ज़ाफ़रान हम लेंगे और इस दूध में हमने ऐड कर दिया है, ताकि ज़ाफ़रान जो है वो अपना कलर दूध में छोड़ दे, ठीक है। और फिर हमें बाद में खीर में डालना होगा, तो उसे अच्छा जो है वो कलर आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब हम करते हैं दूध को बॉयल और चलते हैं अपनी रेसिपी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा दूध जो है वो उबल रहा है, चीनी हमारी गल चुकी है अंदर, ठीक है। लेकिन दूध हमारा अभी तक इतना गाढ़ा नहीं हुआ कि हम मज़ीद इसमें कुछ और ऐड करें। अच्छा, ये बनाते वक्त कभी भी इसको छोड़ के दूध को ऐसे नहीं जाया करें, ठीक है। दूध अक्सर बाहर गिर जाता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, इसलिए आप लोगों को पहले से इत्तला दे रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की खीर जो है वो मतलब पहले जमी हुई लगती है लेकिन बाद में पानी पानी हो जाती है। क्यों पानी पानी हो जाती है? क्योंकि वो सही जो है ना, वो माइंड नहीं हुई हुई होती है, ठीक है ना। मतलब गाढ़ी इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन जब एक बार मतलब बाउल को आप खोल लेते हैं, एक बार उसमें से थोड़ा सा चम्मच निकल जाता है ना, तो फिर वो खुद ही पानी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं किया करें, हम खीर को जो है ना प्रॉपर पकाया करें, ताकि वो जो है ना अच्छी और गाढ़ी खीर बने, थोड़ा उसका कलर अच्छा हो, खूबसूरत बने, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चावल। चावल को मैंने धो लिया था, ठीक है। ये जो आधे पिसे हुए चावल मैंने आपको दिखाए थे ना, इनको मैंने धो के वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, और ये मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें, ठीक है। दूध को मैंने 6-7 मिनट तक पकाया, उसके बाद मैंने चावल ऐड किए, ठीक है। दूध और चीनी को मैंने 6-7 मिनट तक पकाया था, उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं। अब हम चावल को पकाएंगे। अच्छा, चावल जब आप डाल रहे हैं ना, उसके बाद आपने चम्मच चलाते ही रहना है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, वरना क्या होगा, चावल जो है वो आपके देगची के नीचे बिल्कुल चिपक जाएंगे नीचे बेस पे, और फिर पूरी खीर का मज़ा ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट तक पका चुकी हूँ, ठीक है ऑलरेडी। और ये आप देखें, अब गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब हमें चावल भी नज़र आ रहे हैं और दूध भी हमारा बहुत गाढ़ा हो चुका है अच्छा खासा, लेकिन मज़ीद अभी भी इसे 10 मिनट पकने की और ज़रूरत है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना जमने की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। जब हम इसको फ्रीज़ करें, ठंडा करने रखें, तो ये एक कस्टर्ड टाइप जो है ना वो जम जाए, ना कि पानी पानी हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं खीर और फिर जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देती। तो इसलिए हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे। अच्छा, इसमें मैं अब डालने लगी हूँ थोड़ा सा ज़ाफ़रान। अच्छा, ये ज़ाफ़रान आप देख लें, मैंने जो इस तरह से भिगो के रखा था, उसने इस तरह से कुछ कलर निकाला है, ठीक है। इसमें से मैं आधा डालूँगी, ठीक है, ताकि खीर का कलर जो है वो थोड़ा येलो टोन पर चला जाए और एक खूबसूरत कलर जो है ना खीर में आए, ठीक है। अब आप देखें, ग्रेजुअली दूध का जो कलर है वो येलो टोन पे जा रहा है, पहले वाइट था, अब येलो पे जा रहा है, ठीक है। अब हम मज़ीद इसको 10 मिनट तक इसमें पकाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर हमारी जो है वो गाढ़ी होने शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान जो हमने इसमें भिगो के रखा था, ये आप देखें कुछ इस तरह का कलर हो गया है। इसमें से हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे, ताकि दूध जो है वो हमारा खीर जो है वो हमारी थोड़ी येलो टोन पे आ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो और खूबसूरत दिखेगी। अब
अब हमें थोड़ी देर मज़ीद इसको 2-3 मिनट तक पकाना है। मैं इसको 10 से 15 मिनट तक पका चुकी हूँ, मज़ीद मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। अब आप देखें जब गाढ़ी होना शुरू हो रही है ना, तो इसमें इस तरह के बबल्स निकलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बबल्स बन रहे हैं तो इट्स मीन कि वो गाढ़ी हो रही है, ठीक है, जमने की फॉर्म में वो आ रही है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, ठीक है। अब हम मज़ीद इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन चमचा चलाते रहना है क्योंकि अब गाढ़ी हो चुकी है, तो अब ये पूरी चिपक जाएगी, ठीक है। हमारी देखची में अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसलिए हम 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा वेनिला एसेंस। हम सिर्फ दो ड्रॉप हमने वेनिला एसेंस के डाले इसमें, हमने 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो खुशबू है ना वो खीर में बहुत मज़े की आती है, और एसेंस तो वैसे भी मीठी हर चीज़ में यूज़ करना चाहिए, उससे जो है वो उसमें चीज़ आपकी जो भी डिश है ना उसमें खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाती है। ये हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम बाउल में निकाल लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारी ज़बरदस्त खीर हो चुकी है रेडी। 2 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया था, ठीक है, बाउल में, और ये आप देख सकते हैं अभी भी बहुत गर्म है, इसमें से धुएँ निकल रहे हैं बकायदा। और अब हम इसको करने लगे हैं गार्निश। गार्निश में मैंने जो ये केसर डाली थी, ठीक है, भिगो के रखी थी, मैं वो थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप केसर पसंद करते हैं तो आप डालें, अदरवाइज आप ना डालें बेशक। केसर डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम और पिस्ते, ठीक है, जो हमने चॉप करके रखे थे, आधे पिसे हुए हैं और आधे जो है वो हमने चॉप करके रखे थे, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, की हमारी बिल्कुल बन चुकी है, डन हो गई है। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।